अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुगन काजिम और हमें पाकिस्तानी ड्रामो को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे ड्रामो को देखिएगा ड्रामा सेंट्रल पे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। आखिर आतिर में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, रुपया पैसा बड़ा घर और बहुत प्यार। तो बहुत मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा आतिर मुझे याद कर रहा है, मुझे पुकार रहा है। पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा, मुझे उसे देखना है। आपा आपा किसी से कहो मुझे उससे मिला दे। शुक्रता क्या हो गया तुम्हें, संभालो जरा खुद को। आतिर आ जाएगा, बहुत जल्द घर आ जाएगा। हिम्मत से काम लो, अल्लाह बहुत बड़ा है, कुछ भी नहीं होगा आतिर को। चलो शाबाश, बात सुनो मेरी, जाके थोड़ा आराम करो। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तो फैसल को उस्मान कॉल आई तो मुझे पता चला कि दो दिन से आतिर घर नहीं आया, किडनैप हो गया। क्या बताती था ऐसा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब भी खुशियों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती हूँ, खुशियां मुझसे इतना दूर चली जाती हैं कि मुझे खुद उनके पीछे भागना पड़ता है। पता नहीं खुशियों का मुझसे क्या बैर है, क्या मेरा खुशियों पर कोई हक नहीं, क्या मैं इंसान नहीं? तुम ऐसा क्यों सोचती हो तंजीला? खुशियां तुमसे भागती नहीं है बल्कि तुमसे दूर करती जाती हैं। फैसल ठीक कह रहा है, कभी कभी हमारी जिंदगियों में कुछ लोगों का वजूद बवाल जान बन जाता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की शर से बचाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठे आप प्लीज। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। शगुफ्ता बहन कैसी? जिस माँ का बेटा दो दिन से घर ना आया हो कैसी हो सकती है? जी जी मैं समझ सकता हूँ, औलाद तो चीज़ ही ऐसी है, नजरों से ओझल हो जाए तो उसकी तलाश में नजरें खड़े खड़े मीलों का सफर लम्हों में तय कर लेती हैं। शायद के कहीं से किसी रास्ते से वो दिखाई दे जाए। हम लोगों को भी अभी पता चला, इसीलिए हम फौरन चले आए। हमारे घर को तो जैसे किसी की नजर लग गई है। हर वक्त मातम जैसी सूरत हाल रहती, गमों ने तो जैसे इस घर में डेरे डाले हुए। अब ऐसा ना कहें, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो। आप बस दुआ करें कि आतिर जहां भी हो ठीक हो और बाहिफाजत हो, और अल्लाह ताला उसे जल्द से जल्द घर वापस भेज दे।
दो दिन से बस यही दुआ है जो हमारे हलक में अटक सी गई है। आंटी किसी का फोन आया, मजीद कुछ पता चला? नहीं अभी किसी का फोन नहीं आया। हम तो दुआएं मांग रहे हैं कि जिसने भी उसे किडनैप किया है एटलीस्ट हमें फोन तो करे, जितने भी पैसे मांगेगा बस उसे देकर आतिर को अपने घर ले आए। कब तक कुछ पता नहीं चला, आखिर ये गया कहाँ है? कहीं उसने अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की? नहीं नहीं आतिर ऐसा नहीं कर सकता, वो इतना कमजोर नहीं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पता चला मेरे आदर का? नहीं आंटी अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, जबकि पुलिस ने जितने भी एग्जिट पॉइंट थे वहां चेक पोस्ट बना दिए और काफी जगहों पे छापे भी मारे, लेकिन आदर का कुछ पता नहीं चला। उस्मान आदर का नंबर भी तो ट्रैक किया जा सकता है। भाभी पुलिस वो सब कुछ कर चुकी है, आतिर का फोन वहीं बंद हुआ था जहां से उसकी गाड़ी मिली और आतिर की फोन लिस्ट से भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिस पे किसी पे शक किया जा सके। खाला ये आपका फोन है, मुझे लगता है उन्हीं की कॉल है जिन्होंने आतिर को अगवा किया, प्लीज आप बात करें। हेलो मेरी बात गौर से सुनो, आतिर तुम्हारा बेटा है? जी, मेरा बेटा है। कहाँ है वो, कैसा है वो? ठीक तो है ना? खुदा के लिए मेरे बेटे से मेरी बात करा दो, एक दफा उसकी आवाज सुना दो। माँ बेटा बहुत बोलते हो, पहले मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में, अगर उसकी खैरियत चाहती हो तो 2 दिन में 2 करोड़ का इंतजाम कर लो, वरना। नहीं नहीं मेरे बेटे को कुछ ना कहना, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैं दे दूंगी, मैं सारे पैसे दे दूंगी, बस एक बार प्लीज मेरे बेटे से मेरी बात करा दो। वो भी करवा देंगे, लेकिन पहले पैसों का बंदोबस्त करो। और हाँ, अगर पुलिस को बताने की कोशिश भी की ना तो बेटे की लाश देखना भी नसीब नहीं होगा। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं करना। हेलो आंटी, क्या कहा? आंटी खैरियत से तो है ना? लोगों ने आतिर के तवान के लिए
करोड़ की रकम मांगी है। आंटी, मैं अभी जाके पुलिस को इस कॉल के बारे में बताता हूँ। नहीं, हरगिज़ नहीं, कोई पुलिस को कुछ इन्फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन आंटी, मैंने कहा ना, पुलिस को कोई इन्फॉर्म नहीं करेगा। दे दोगी तो करो, मुंह पे मारोगी उठ के। बच्चे से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, बस मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मुझे मेरा आदर वापस चाहिए। बस उस्मान आंटी बिल्कुल ठीक कह रही, हमें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। संग ही अपने तुम साथ मेरे लम्हा। आप कहाँ चले गए आते, मुझे छोड़कर आप कहाँ चले गए? आप जानते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज वापस आ जाएं। मैं अब आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। कभी कोई सवाल नहीं करूंगी। कभी शक नहीं करूंगी। मैं जानती हूं वो जो कुछ भी था एक फरेब था, एक गलत फहमी थी जो आपके और मेरे दरमियान पैदा की जा रही थी। प्लीज आते वापस आ जाए। आपके बिना आपकी तंजीला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आंटी, मैंने आते का सुना, उसने सोचा आपसे मिली। कुछ पता चला आतिर का? उसे अगवा कर ली। व्हाट? आतिर को अगवा कर लिया गया? हाँ, और उन लोगों ने आतिर को रिहा करने के लिए बहुत बड़ी तावान की रकम मांगी। तावान? आपकी कोई बात हुई उनसे? लेकिन अब कोई मसला नहीं, उस्मान बैंक गया है पैसों का इंतजाम करने, बस बस थोड़ी ही देर ये रात भर मेरे सामने होगा माँ के पास। Excuse me. Hello. हाँ, मैं बैंक मैनेजर से बात करती हूँ। ओके। आनिया, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। आंटी, तंजीला है? वो अपने रूम में है, तुम मिल लो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तंजीला,
कैसी हो? तुम यहां? आतिर का सुना तो आंटी से मिलने चली, सोचा तुम्हारा हाल भी पूछ लूं। मेरे हाल की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा अपने हाल और मुस्तकबिल की फिक्र करो। मेरा मुस्तकबिल तो आतिर से जुड़ा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? इन हालात में भी जहर उगलने के लिए आ गई हो? मेरी बातें जो तुम्हें जहर लग रही हैं, मेरे लिए वो जिंदगी है, अमृत। आनिया, क्योंकि तुम इस वक्त मेरे घर में खड़ी हो, इसलिए मैं तुमसे कोई बदसलूकी नहीं करना चाहती। मैं पहले ही आतिर की वजह से बहुत परेशान हूं, बेहतर होगा यहां से चली जाओ। भूल गई, तुम आतिर का पूछने के लिए मुझे ही कॉल करती रही। और क्यों ना करती, आतिर अक्सर मेरे पास रुक जाया करती। तुम इस कदर गिर चुकी हो आनिया, कि तुम्हें इस बात का जवाब देने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। तुम कुछ भी कह, मैं आते पर शक नहीं कर सकती। मोहब्बत में कौन नहीं गिरता, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। मोहब्बत हासिल करने का नाम, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, कुछ भी। इस दफा मैं आतिर की जिंदगी में आकर रहूंगी। और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, खुद आतिर भी नहीं। सच पूछो तो मुझे खुद तुम्हारी बात फिक्र होगी। तुम मुझे आतिर के बारे में बताओ, कोई बात भी उससे? किडनैपर्स ने क्या कहा और पुलिस ने क्या कहा? तावान मांगा है उन्होंने, तो करना।